बंद कर बाइक से कमरे पर जा रहे दुकानदारों को घायल कर करीब 1.5 लाख रुपए लूटे। जी हाँ, अलवर जिले के समीप भिवाड़ी में बीती रात्रि को दुकान बंद कर घर लौट रहे बाइक सवार दो भाइयों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने उनके सिर पर ईंट से हमला किया जिससे दोनों घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार इस्माइलपुर निवासी जयकिशन और महेंद्र हरचंदपुर भिवाड़ी में केजी प्लाजा स्थित जनरल स्टोर की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उनको घेर लिया और उन पर हमला कर दिया जिसमें दोनों भाइयों को चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर लुटेरों की तलाश कर रही है। भाई क्या मामला था पूरा? भैया हम दुकान से निकले और जैसे ही दुकान से 100 फुट की दूरी पर निकले तो वहाँ से निकले तो उन्होंने वे आए हमारे सिर्फ दोनों भाइयों को टेट में टपाटप पीट मारने लग गए। कौन लोग थे वो? सब वे लूटने वाले थे, ये नहीं पता कौन थे अभी तक हमको। किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी दुकान है सर परचुनी की होलसेल की। कौन सी जगह है? हरचंदपुर केजी प्लाजा भिवाड़ी। अच्छा, वहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? सर हम अपने रूम पे जा रहे थे UIT दुकान बना के। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर सर उन्होंने लूट लिया हमें, टेंट सर मेरी टेंट में ईट मारी, भाई की में मारी, और कुछ नहीं सर, पैसे बैग ले गए। तो किसी को जानते हो? नहीं सर अभी तक तो किसी को नहीं जान रहे। अच्छा, आपके क्या नाम है? सर मेरा नाम सर जयकिशन गुप्ता है। पिताजी का? ओम प्रकाश गुप्ता। आगे रहने वाले हो? सर इस्माइलपुर के रहने वाले। दुकान कहाँ पे है अपनी? सर भिवाड़ी में। भिवाड़ी में कहाँ पे? केजी प्लाजा हरचंदपुर भिवाड़ी। अच्छा, और दूसरे के क्या नाम है जो घायल हुए? महेंद्र गुप्ता, मेरे बड़े भाई साहब हो। अच्छा, वो आपके साथ ही रहते? हाँ जी। दुकान पे? हाँ जी। उनके साथ ही घटना हुई है? वो बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था बैग लगा के। अच्छा, कितने पैसे ले गए? क्या है करीब सर? इतना तो मेरे अंदर है करीब 1.5 लाख के समथिंग आस पास होंगे। किस चीज की दुकान है आपकी? होलसेल पर चुनी काम सर। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ सर, पुलिस वाले आ गए रिपोर्ट ले चले। तो आपके और उनके आगे भाई के लगी है? हाँ जी।